नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, पूरे देश भर में तीसरे चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और बिहार में भी खत्म हो चुका है। और उसके बाद से ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो बीजेपी के कोड में खुजली वाला जो है, ये उन्होंने लिखकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है और उसके बाद से बिहार की सियासत में घमासान मच गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार तीसरे चरण की जो स्थिति है, किस पार्टी की तरफ जो वोट बैंक है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 5 सीटों पर 98.6 लाख से अधिक मतदाताओं ने मंगलवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। आपको बता दें कि ये 5 सीट जो है वो अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया है। अररिया सीट पर भाजपा का कब्जा है, जहां मौजूदा सांसद प्रदीप सिंह सीट बरकरार रखने की कोशिश को मुख्य चुनौती राजद के शहनवाज से मिली है। देखिए, बिहार निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में तीसरे चरण के चुनाव में कुल 98.60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनके लिए 9,848 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चरण में सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं मतदान के मद्देनजर नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया था। बता दें कि सुपौल और झंझारपुर में लड़ाई की त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की जा रही थी। इन सभी सीटों पर 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए ने परचम लहराया और इस चुनाव में एनडीए ने जहां इन सभी सीटों को बरकरार रखने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं महागठबंधन ने इस सीटों पर जीत को लेकर प्रयासरत नजर आए। इन 5 सीटों में इस बार जो है 3 सीटों पर एनडीए के मुकाबले राजद, जबकि 1 सीट पर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और अन्य पर माकपा के उम्मीदवार हैं। वहीं मधेपुरा सीट पर जदयू ने एक बार फिर दिनेश चंद्र यादव को मैदान में उतारा था, जिनका मुकाबला राजद के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप से था। वहीं झंझारपुर में मुकाबला त्रिकोणात्मक बनाने को लेकर बसपा के गुलाब यादव पूरा जोर लगाए हुए थे। इस सीट पर मुख्य मुकाबले में जदयू ने एक बार फिर रामप्रीत मंडल को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी के सुमन कुमार महासेठ चुनावी रण में ताल ठोक रहे थे। बता दें, मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने गुलाब यादव को चुनावी अखाड़े में उतारकर सभी दलों की रणनीति को गड़बड़ा दिया। वहीं खगड़िया संसदीय सीट पर भी महागठबंधन को एक दशक से जीत का इंतजार है। लोजपा रामविलास की ओर से इस बार राजेश वर्मा चुनावी मैदान में थे, तो वहीं महागठबंधन की ओर से माकपा के संजय कुमार उम्मीदवार थे। सुपौल सीट की अगर बात कर ले तो वहां भी काफी सुपौल सीट का भी काफी महत्व है। यहां जदयू के दिलेश्वर कामत और राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल के बीच मुकाबले कांटे का माना जा रहा है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी वैद्यनाथ मेहता भी जो है पूरा जोर लगाए हुए थे। वहीं सीमांचल की सीट अररिया में भाजपा के प्रदीप सिंह और राजद के शहनवाज आलम के बीच कड़ा मुकाबला था। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में जो है मतदान शांतिपूर्ण हुआ। तो देखिए, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इस पर जो है लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि तीसरे चरण का चुनाव बीजेपी के लिए कोड में खुजली है। अब आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।